हेलो एवरीवन वेलकम टू अमे सर क्लासेज आज के इस वीडियो में प्रूफ करेंगे रूट टू इज इरेशनल तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम जस्ट अपोजिट एक्सम्शन से स्टार्ट करते हैं जिसको हमें इरेशनल रेशनल प्रूफ करना है पहले हम ये सपोज कर लेंगे लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर रूट टू बी ए रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट मान के स्टार्ट करते हैं और देखो यदि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म दी बाई क्यू इक्वेशन नंबर वन एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू इज नॉट जीरो एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली इज वन दैट मीनस लास्ट कंडीशन का मीनिंग ये पी एंड क्यू एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन पी और क्यू का एक के अलावा कोई भी अन्य कॉमन फैक्टर नहीं होगा पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन पी और क्यू का केवल एक ही फैक्टर हो सकता है वन और इस स्टेटमेंट को भी ना हम एक क्वेश्चन नंबर डाल देंगे टू ठीक है अब एक काम करो इक्वेशन वन के दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर सो स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर जाएगा टू बन जाएगा रिजल्ट नंबर थ्री डाल दो इसको आप और इस इक्वेशन नंबर थ्री में ध्यान से देखो आप टू किसको डिवाइड कर रहा पी स्क्वायर को इक्वेशन थ्री इंप्लाइज दैट टू Divides पी स्क्वायर तो देखो थ्योरम हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में टू यदि पी स्क्र को डिवाइड करता है सो टू विल डिवाइड पी आल्सो ठीक है ये थ्योरम है और इसको भी हम एज एक्वेशन फोर यूज करेंगे ठीक है ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं टू पी को डिवाइड करेगा और ये कहां से लिख दिया हमने थ्योरम से लिख दिया ये थ्योरम है यदि टू प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके पी को भी डिवाइड करेगा अब इसको आगे देखो कैसे लिखेंगे अब आप ये देखो इस इक्वेशन नंबर फोर में आपने लिखा हुआ है कि टू पी को डिवाइड करता है अब देखो जो पी को डिवाइड कर रहा है तो पी को डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना वो आप आर मान लो लेट पी बाई टू बिल बी आर सो यहां से पी इक्वल टू विल बी टू आर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फाइव नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फाइव इन इक्वेशन नंबर थ्री 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में यहां पर अप्लाई करेंगे सो क्यू स्क्स टू का स्क्वायर स्कूल डिवाइडेड बाई टू एक और यहां से हमको रिजल्ट मिल जाएगा विल बी टू इधर आ जाएगा क्यू स्क् और अब ध्यान से देखो यहां पे टू किसको डिवाइड कर रहा है अब ये टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देर फोर टू डिवाइड क्यू स्क्त फिर से थ्योरम यूज कर लो जब 2 क्यू को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो। ये थ्योरम है और इसको एज ए रिजल्ट अभी यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर सिक्स डाल देंगे ठीक है थ्योरम से लिख दिया हमने दिस इज अ थ्योरम इस, इस चैप्टर की थ्योरम थी अब यहाँ पे क्या नंबर फोर और सिक्स को कंबाइन कर देंगे नंबर फोर एंड सिक्स को कंबाइन किया तो यहां से रिजल्ट आ रहा है देखो फोर में क्या लिखा है आपने टू पी का फैक्टर है और सिक्स में क्या लिखा है टू सिक्स का फैक्टर है दैट मीन टू इज ए कॉमन फैक्टर टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बट

इट कंट्राडिक्ट अवर इनिशियल एजम्प्शन ठीक है और कंट्राडिक्टीस देर फोर अवर इनिशियल एजम्प्शन इज रॉन्ग अवर इनिशियल एजम्पन इज रॉन्ग एंड रॉन्ग दैट मीन्स वी कंक्लूड दैट we conclude that root 2 is irrational it cannot be rational it is irrational ठीक है तो ऐसे हम प्रूफ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो जिसको हमको इरेशनल प्रूफ करना था पहले हमने उसको रेशनल मान लिया इक्वेशन नंबर 1 One का स्क्वायर किया तो रिजल्ट आ गया टू पी फैक्टर है फिर पी का फैक्टर है तो पी को टू से डिवाइड करने में कुछ ना कुछ मिलेगा वो इक्वेशन नंबर हमने थ्री में अप्लाई किया वहां से रिजल्ट आ गया क्यू का भी फैक्टर है तो पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर हमारे पास टू आ गया जबकि ये इंपॉसिबल है क्योंकि इक्वेशन नंबर में क्या माना था हमने पी और क्यू का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है दैट मीनस अवर इनिशियल एजम्पन इज रॉन्ग एंड रोड टू विल बी ए इरेशनल नंबर ठीक है थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू अपने फ्रेंड्स को शेयर करना